दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, दूसरे राज्य एवं दूसरे जिले में प्राइवेट वाहनों से जाने के लिए ई पास जरूरी। दोस्तों झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के 24 जून तक विस्तार करने के बाद परिवहन विभाग झारखंड ने ई पास से आवागमन को लेकर नए सिरे से आदेश जारी किया है। परिवहन आयुक्त किरण कुमारी पासी के निर्गत आदेश के अनुसार दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले सभी यात्रियों को झारखंड ई पास पोर्टल में निबंधन भी कराना होगा। झारखंड आने के बाद 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। परिवहन विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि विभाग के द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से पालन कराएं। चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में कोरोना की विभीषिका के कारण अनाथ हुए बच्चों को गोद लेगा CWC। कोविड-19 महामारी ने न जाने कितने परिवार वालों का सहारा छीन लिया। कोविड ने कई माताओं की गोद सूनी कर दी तो कई बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छीन लिया और कई बच्चों को बेसहारा कर दिया। इस आपदा की घड़ी में भी राज्य सरकार बेसहारों का सहारा बनी है। जिन बच्चों के सिर से माता पिता या अभिभावक का साया उठ गया है, वैसे बच्चों के लालन पालन का जिम्मा राज्य सरकार ने उठाया है और बाल कल्याण समिति इस मुहिम को बल देने की कवायद में जुट गई है। माँ बाप का साया उठने के बाद अब प्रदेश में CWC बच्चों को आसरा दे रही है। बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी सरकार ने उठाने की बात कही है। परिजनों कि कोविड से हुई मौत के बाद भी बच्चे अनाथ नहीं हो, इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। रांची के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान कोरोना से हुए मौत का होगा डेथ ऑडिट। दोस्तों सदर अस्पताल में कोरोना के इलाज के दौरान हुए मौत का डेथ ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट के लिए कमेटी का गठन किया गया है। टीम में 7 सदस्य शामिल हैं। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर शशि भूषण खलको को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि IDSP के इंचार्ज डॉक्टर राघवेंद्र नारायण शर्मा को सचिव बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर कमलेश सिंह, WHO से डॉक्टर अनूप रजक, यूनिसेफ से अन्नपूर्णा के अलावा एपिडर्मिलोजिस्ट और रिम्स के एक चिकित्सक भी टीम के सदस्य हैं। शिक्षा मंत्री के लौटने पर पारा शिक्षकों की जगी आस, जल्द करेंगे मुलाकात। कोरोना की वजह से गंभीर रूप से बीमार होने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इलाज करवाकर झारखंड वापस लौट चुके हैं। शिक्षा मंत्री के वापस आने से झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों की आस एक बार फिर जगी है। राज्य के पारा शिक्षकों की ओर से स्थायीकरण, वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर काफ़ी लंबा संघर्ष किया गया है। संघर्ष के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार की ओर से समय समय पर पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की जाती है। इस वेतन वृद्धि के साथ पारा शिक्षक स्थायीकरण सेवा शर्त नियमावली को लेकर मांग करते रहे हैं। आपको बता दें कि 65,000 पारा शिक्षकों की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से पारा शिक्षकों का स्थायीकरण व वेतनमान सेवा संबंधी नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। हालांकि अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। बोकारो गोमो होकर चलेगी हटिया आनंद विहार स्पेशल। हटिया से आनंद विहार के बीच 16 जून से स्पेशल ट्रेन चलेगी। बोकारो और गोमो होकर चलने वाली ट्रेन हटिया से 16 जून से 27 जून तक तथा वापसी में आनंद विहार से 17 जून से 28 जून तक चलेगी। हटिया से बुधवार, शुक्रवार और रविवार एवं आनंद विहार से सोमवार, गुरुवार एवं शनिवार चलेगी। हटिया से बरकाकाना होकर आनंद विहार जाने वाली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 15 जून से चलेगी। हटिया से 15 से 29 जून तक हर सोमवार, मंगलवार व गुरुवार तथा आनंद विहार से 16 से 30 जून तक प्रत्येक मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को चलाई जाएंगी। देश में अब 108 रुपये बिकने लगा पेट्रोल, इस साल 50 बार हुई वृद्धि। दोस्तों देश में बुधवार को पेट्रोल 108 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर देश का पहला शहर बन गया जहां बुधवार को पेट्रोल 108 और डीजल 100 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। देश में 7 ऐसे राज्य हैं जहां पेट्रोल का रेट 100 के ऊपर चला गया है और इस महीने में अब तक 8 दफ़ा पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। इसी तरह मई महीने में 16 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी थी। जून में पेट्रोल 2.02 रुपये और डीजल 2.03 रुपये
डीजल 2 रुपये 03 पैसे महंगा हुआ। भड़काऊ वीडियो को लेकर ट्विटर पर FIR एक्शन में सरकार। भारत सरकार के नए IT नियमों का पालन न करने वाले की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। सरकार के नए IT नियम के अनुसार सभी सोशल मीडिया कंपनियों को वैधानिक अधिकारी बहाल करने थे। इसके लिए 25 मई की डेडलाइन तय की गई थी। ट्विटर ने अब तक ऐसा नहीं किया है। अब तक होता था कि IT एक्ट की धारा 79 के तहत ट्विटर किसी थर्ड पार्टी के गैर जिम्मेदाराना ट्वीट पर कानूनी कार्रवाई के दायरे से बाहर हो जाता था, लेकिन नए IT नियमों ने अब उसकी परेशानी बढ़ा दी है। यह पहली बार है जब भारत में किसी राज्य की पुलिस ने सीधे ट्विटर इंडिया पर FIR की है। नए नियमों के अनुसार किसी यूजर्स की ओर से किसी सोशल मीडिया पर कोई गैरकानूनी या भड़काऊ पोस्ट किया जाता है तो अब कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों से पुलिस पूछताछ करेगी। रांची से उड़ान भरने के दौरान इंडिगो के विमान से टकराया पक्षी, हुई इमरजेंसी लैंडिंग। राजधानी रांची से मुंबई के लिए इंडिगो का विमान उड़ान भरने के दौरान मंगलवार को पक्षी से टकरा गया। खबरों को माने तो विमान के उड़ान भरने के 45 मिनट ही यह हादसा हुआ था। तभी विमान के इंजन में पक्षी टकराया और इंजन काम करना बंद कर दिया। इसके बाद विमान को वापस रांची एयरपोर्ट पर लाया गया। विमान ग्राउंडेड हो गया, फिर दूसरे विमान से यात्रियों को मुंबई भेजा गया। झारखंड में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में मंगलवार को मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर पर इसकी जानकारी दी गई है। ट्वीट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर कड़ाई से रोकथाम के लिए मंत्री की अध्यक्षता में बनी 8 सदस्यीय कमेटी। झारखंड सरकार ने सिर पर मैला ढोने को मजबूर लोगों की पहचान करने और इस प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए उच्च स्तरीय अनुश्रवण कमेटी गठित की है। नगर विकास विभाग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी गठित की है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कमेटी मैला ढोने वाले इंसानों की पहचान कर उनके पुनर्वास और सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार को अनुशंसा करेगी। अनुश्रवण समिति हर 6 माह में कम से कम एक बार बैठकर कार्य संचालन की प्रक्रिया, नियम आदि तय करेंगी। 19 जून तक प्रदेश के सभी जिलों में बारिश, मौसम विभाग ने दी वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून अब लगभग पूरे देश को भिगो रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। कहा गया है कि बारिश और मेघ गर्जन के दौरान पेड़ के नीचे ना रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें। राज्य में 16 से 19 जून तक झारखंड के लगभग सभी जिलों में बारिश होगी। 1 से 15 जून के बीच का सामान्य वर्षापात 73.3 मिलीमीटर रहता है, जबकि इस दौरान वास्तविक वर्षापात 137.1 मिलीमीटर हो चुकी है। 15 दिनों में सामान्य से 79% अधिक बारिश हुई। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रूपा तिर्की का मामला हाईकोर्ट में गुरुवार को होगी सुनवाई। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी के पिता देवानंद तिर्की की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। यह जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने दी। अधिवक्ता राजीव कुमार के अनुसार रूपा तिर्की के मामले में जल्द सुनवाई के लिए अदालत से आग्रह किया गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। रूपा तिर्की के पिता देवानंद तिर्की के द्वारा दायर क्रिमिनल रीट पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मृत्यु को संदेहास्पद बताते हुए रूपा के पिता ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रूपा के पिता ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर कर इस पूरे प्रकरण की CBI से जांच की मांग की है। अर्जुन मुंडा ने संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन पहल का किया शुभारंभ। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री और खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन पहल का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड
ट्राइफेड के मुख्यालय के नए परिसर सहित कई अन्य कार्यक्रमों का उद्घाटन और शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुरूप ट्राइफेड द्वारा कई पहल चलाई जा रही हैं, जिसका उद्देश्य जनजातीय भाई बहनों के लिए अस्थायी आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है। मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि उन्हें ट्राइफेड के नए मुख्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए और साथ ही संकल्प से सिद्धि मिशन वंधन जैसी कुछ उल्लेखनीय पहलों का अनावरण करते हुए खुशी हो रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने दी परीक्षा रद्द होने की जारी की अधिसूचना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 को रद्द करने का निर्णय लिया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर निर्देशक ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी की। इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 को रद्द करने से संबंधित अधिसूचना जारी की गई।